अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक मोती की लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये लेस डिज़ाइन मैं आप लोगों को लाइव आकर सिखाने वाली थी, बट नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव नहीं आ सकी। मैं लाइव आई थी बट कट हो गया, सो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर ही अपलोड किया जाए। सो यहाँ पर मैंने ये सिल्क थ्रेड लिया है, इसे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड भी कहते हैं। इसमें मैंने बीड्स डाल दिए हैं। मैंने आपको धागे में बीड्स कैसे डालते हैं वो बताया है, तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो मैं ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी, तो आप चेक कर लेना। मैंने यहाँ पर बारीक साइज़ की मोती इसमें डाली है, और इसे बनाने के लिए मैं नीडल लूँगी 7 नंबर 0.95 mm की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेंगे। स्लिप नट लेने के बाद ये हमने बेस बना लिया है यहाँ पर 2 चैन अटैच का। ये बेस अगर आपको बनाना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वो चेक कर लेना। उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया कि ये बेस कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट कैप में हम फ्रंट साइड में अटैच कर लेंगे। ये लेस डिज़ाइन आप दुपट्टे पर बना सकते हैं, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर बना सकते हैं। फर्स्ट इसमें अटैच करने के बाद हम खींच कर धागा बाहर निकाल लेंगे। नीडल इस तरीके से इस धागे में धागा फोल्ड करेंगे नीडल पर, और ऐसे बाहर आ जाएंगे। अब जो ये सिंगल धागा है इसमें नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे सिंगल क्रोचेट इस तरीके से। अब इसे हम नेक्स्ट गैप में, बिल्कुल बाजू में इसके एक गैप है, ये सब मैंने 2 चैन अटैच लिए लेते हुए गैप बना लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट गैप में इसे हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से अब ये जो ऐसे राउंड हो गया है इसे आप ऐसे ही रहने दें, बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसे क्या करना है। फिर अटैच करने के बाद तुरंतली हम एक धागा खींचकर बाहर निकालेंगे, और नीडल पर धागा फोल्ड करके इसमें से बाहर आ जाएंगे। फिर एक सिंगल क्रोचेट इस पर ले लेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाजू वाले गैप में, नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेंगे। तरीके से अब फिर से हम नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, खींचकर बाहर निकाल लेंगे, एक धागा फोल्ड करके इसमें से बाहर निकालेंगे, और यहाँ पर सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। कोशिश करें कि आप जो ये खींचकर धागा बाहर निकाल रहे हैं वो सब एक ही साइज़ के हो। इट मीन्स कि जितना आप खींच रहे हैं सभी धागे आप इसी तरीके से इसी साइज़ के खींचते जाएँ, ताकि आपको आसानी हो। इस तरीके से सेम इसी तरीके से हम खींचते हुए बाहर निकाल लेंगे, सिंगल क्रोशेट ले लेंगे इस तरीके से, और नेक्स्ट कैप में अटैच कर लेंगे। फिर हम खींच कर धागा बाहर निकालेंगे, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, सिंगल क्रोशेट ले लेंगे, और नेक्स्ट कैप में अटैच कर लेंगे। फिर खींच कर धागा बाहर निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करने वाले हैं। जितनी आपको लेस की लेंथ बनानी है, एक साइड दो साइड, पहले आपको यही मेथड पूरा करना है, कंप्लीट करना है। ये लाइन आप कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट लाइन बनाते जाएंगे। ये भले से ये ऐसे दिख रहा है, फिर मैं आपको बतानी हूँ क्या करना है। बस पहले आप इस तरीके से धागा खींचते जाएं और धागा निकालते जाएं और सिंगल क्रोचेट लेते जाएं, फिर नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोचेट ले लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से कंटिन्यू आप फॉलो करते जाएं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये लाइन आपको कैसे बनानी है। तो बस इसी तरीके से आपको धागा खींचते हुए बाहर निकालना है, फिर सिंगल क्रोशेट लेकर नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेना है। फिर धागा खींचते हुए बाहर निकालें, सिंगल क्रोशेट ले लें, और यहाँ पर लॉक कर लें, फिर नेक्स्ट गैप में अटैच कर लें। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे।
इसी तरीके से कंटिन्यू आप फॉलो करते जाए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये लाइन आपको कैसे बनानी है। तो बस इसी तरीके से आपको धागा खींचते हुए बाहर निकालना है, फिर सिंगल क्रोशेट लेकर नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेना है। फिर धागा खींचते हुए बाहर निकाले, सिंगल क्रोशेट ले ले और यहाँ पर लॉक कर ले, फिर नेक्स्ट गैप में अटैच कर ले। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखें मैंने यहाँ तक बना लिया है और धागा कट कर लिया है क्योंकि मैं सैंपल पीस बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से ये पूरी लेंथ कंप्लीट कर लें या जितनी भी आप लेंथ बना रहे हैं इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट राउंड लिया है ये देखें, ये रहा इसका फर्स्ट राउंड, तो इसका जो इस तरफ वाला फ्रंट साइड वाला जो धागा है उसे खींचकर बाहर निकालना है। फिर ये जो नेक्स्ट है ये देखें, यहाँ पर आपको दो तीन धागे दिख रहे हैं, जो सबसे पहला धागा दिख रहा है उसे आप खींचकर ऐसे बाहर निकाल लें इस तरीके से। यहाँ पर भी देखें आप, एक जो पहला सबसे पहला धागा आपको दिख रहा है उसे आप खींचकर बाहर निकाल लें इस तरीके से। आपको धागे बाहर निकालने हैं इस तरीके से। ये आ गया, जो भी आपको ये राउंड में तीन धागे दिखेंगे उसमें जो फर्स्ट जो फ्रंट में धागा दिखेगा उसे आपको बाहर निकालना है इस तरीके से। सारे धागे आप बाहर निकाल लें पहले। तरीके से जो फ्रंट में पहला धागा हमें दिखेगा उसे हम खींचकर बाहर निकाल लेंगे। आज बहुत मन था आप लोगों से लाइव बात करने का, बट क्या कर सकते हैं, नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि रहने दे। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से सारे धागे बाहर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, फिर से फिंगर पर हम धागा फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेंगे, जैसे हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको स्टार्ट करना है। अब ये जो फर्स्ट राउंड है, ये जो फर्स्ट गैप है इसमें हम अटैच कर लेंगे। पहले फर्स्ट गैप हमने उठा लिया, इसमें हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम मोती बाहर निकालेंगे, यहाँ पर मोती एक पास करेंगे। मोती पास करने के बाद इसे हम इस तरीके से नीडल के नीचे रखेंगे और नीडल पर धागा फोल्ड करके में से बाहर आ जाएंगे। अब इस मोती को ऐसे घुमाना है और ये जो धागा है इस पर हम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। फिर से ये मोती ऐसे आगे पकड़ ले और इसके बैक साइड में अटैच करें ताकि मोती फ्रंट में ही रहे, बैक साइड में ना जाए। अब हमें क्या करना है, ये हो गया फर्स्ट राउंड का। अब सेकंड राउंड में हम नीडल डालेंगे और धागा लेते हुए यहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, फिर यहाँ पर हम मोती पास करेंगे। मोती को ऐसे पकड़ना है, नीडल पर धागा फोल्ड करना है और ये जो नीडल में धागा अटका है उसमें से हम बाहर आ जाएंगे। अब मोती को हम आगे की तरफ करेंगे और ये जो धागा है इसे उठाकर मोती के पीछे एक सिंगल क्रोचेट ले लेंगे ताकि मोती फ्रंट साइड में ही रहे इस तरीके से। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम हर एक गैप में करते जाएंगे। पहले हमें अटैच करना है, फिर मोती पास करनी है, फिर मोती को लॉक करना है, फिर मोती को आगे की तरफ लेना है और पीछे वाले धागे पर हम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे इस तरीके। ये ऐसे हो गया। अब इसी तरीके से हम हर एक गैप में पहले सिंगल क्रोचेट लेंगे, फिर एक मोती पास करेंगे, फिर यहाँ पर लॉक कर लेंगे मोती, फिर मोती को फ्रंट साइड में लेकर बैक साइड में मोती के उसी धागे में सिंगल क्रोचेट ले लेंगे और इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट गैप में भी हम
इसी तरीके से पहले अटैच कर लेंगे। फिर मोती पास करेंगे, मोती लॉक कर लेंगे और बैक साइड में अटैच कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे गाइस, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, मतलब बहुत से कमेंट्स, कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी आए हैं कि सिर्फ लेस डिज़ाइन ही आप बता रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप चेक करें मेरे चैनल पर। बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, मैंने हर एक टाइप के पैटर्न आप लोगों को सिखाए हैं। क्लच है, किचन्स है, जैसे अल्फ़ाबेट्स है, लेटर्स है, लेकिन मुझे जो लेस डिज़ाइन में रिस्पांस मिल रहा है वो मुझे दूसरी चीज़ों में नहीं मिल रहा है। सो इस वजह से मेरे व्यूज़ अच्छे से लेस डिज़ाइन पर आ रहे हैं, इस वजह से मैं लेस डिज़ाइन ज़्यादा सिखा रही हूँ। तो अगर आपकी बीच बीच में कोई कमेंट ऐसे आएंगे या कोई रिक्वेस्ट आपकी है तो मैं उसे भी पूरा करूँगी। अभी कल ही मुझे एक कमेंट आया है कि आप दो दुपट्टों को जॉइंट करना या दो कपड़ों को जॉइंट करना सिखा दें, तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो बहुत जल्द मिलेगी आपको। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं। वैसे मैं ज़्यादातर फोकस मैं अभी लेस डिज़ाइन पर ही करूँगी क्योंकि इसी में मुझे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि इसी को कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई डिज़ाइन सीखनी है या क्लच डिज़ाइन सीखना है कुछ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर वो वीडियो शूट करूँगी। इसी तरीके से आप कंटिन्यू फॉलो करें और ये लेस डिज़ाइन आपको कंप्लीट करनी है। बहुत ही इजी, सिंपल और ब्यूटीफुल लेस डिज़ाइन है ये। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ, यहाँ तक मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसी लगती है। मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है और ये इसका फाइनल लुक है। ये बहुत ही सिंपल, इजी और ब्यूटीफुल लेस डिज़ाइन है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और जो भी क्रोचेट लवर्स आपके साथ कांटेक्ट में हो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएगी। टू चैन आपको एक्स्ट्रा लेनी है और धागा कट कर लेना है। जहाँ पर भी आपकी लेस कम्प्लीट हो वहाँ पर, मैं यहाँ सैम्पल पीस बना रही हूँ इसलिए मैं यहीं पर कट कर रही हूँ। अब इसे आप बैक साइड में अटैच करके अंदर की तरफ ले लें या फिर कट करके लॉक कर ले, और ये इसका फाइनल लुक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।